जनपद फिरोजाबाद में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नेता वीर सिंह आनंद के नेतृत्व में सपा समर्थकों के साथ शहर में साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि माननीय अखिलेश यादव द्वारा जो भी आह्वान पत्र में मौजूद सरकार द्वारा आम जनमानस तक लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाकर जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जिसकी हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग घोर निंदा करते हैं। साथ ही सरकार से यह मांग करते हैं कि जो भी पेट्रोल डीजल पर मूल्यों को बढ़ाया गया है उसे सरकार वापस ले, जिससे इस कोरोना काल के संकट की घड़ी में लोग अपना जीवन यापन कर सके। इस दौरान और क्या कुछ कहना था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, आप खुद सुनिए। इस मौके पर काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संबंध में सपा नेता वीर सिंह आनंद ने जानकारी दी। हम साइकिल रैली के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में जो विकास के कार्य किए हैं आज तक इतिहास है इस चीज का, चाहे हंडर डायल की सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे एम्बुलेंस के चार्ज की व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं के छेड़छाड़ की बात हो, चाहे लखनऊ से लेकर आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस बनाने की बात हो, चाहे सबसे महत्वपूर्ण विकास का जो कार्य किया फिरोजाबाद के लिए, क्या शुद्ध गंगा जल की बात हो, इतने बड़े ऐतिहासिक काम का फैसला अब तक की सरकार ने नहीं लिया है। जनता इन्हीं भावना को देखते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में अपना जन वोट करना चाहती है, अपना स्वाभिमान उनको सौंपना चाहती है, उनका नेतृत्व स्वीकार करना चाहती है। आशा और भरोसे के साथ उन्होंने इस बात का मन बना लिया देश की जनता ने, आने वाले समय 2022 में हम माननीय अखिलेश जी का नेतृत्व हम स्वीकार करेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।